First of all, thank you so much uh, to all my YouTube family and uh, happy Independence Day. Uh, it's a special day for all the Indians out there and it's a proud moment for all the Indians. So today i have a special podcast. I have an amazing guest today, an NSG commando, a black commando, someone who founded the UPSTF and many more. So I won't talk more. में काफी CM सुरच्छा, राजपाल सुरक्षा पीएम के आउट गार्डन में भी मैं रहा और मैं यूपीएसटीएफ यूपीएस बीबीआई नक्सल माओवादी ड्यूटी टेरिस ड्यूटी इन सब ड्यूटियों में मैं काफी लंबे समय तक वर्क किया हूँ लगभग मैंने पच्चीस साल मैंने इस इन संस्थाओं में मैंने वर्क किया है तो सर अभी आप जो यहाँ पे पहने हुए है ये किस चीज का है सर अगर आप ब्रीफ करेंगे ये त्रिशूल है ये एन एस जी को ट्रैक है जो एक बलिदान का मानता है मतलब ये त्याग करके मिलता है ऐसे मिलता है या न कोई लिखित परीक्षा से मिलेगा न कोई चीज से जो एन एस जी में जा करके

दरअसल ये एन जो कमांडो हैं ये कमांडो जो है इसमें आपके यूपी पुलिस से भी जाते हैं यूपी पुलिस मतलब आल यूपी ऑल आल इंडिया के जितने स्टेट हैं हर स्टेट के पुलिस के लोग भी आकर के एन से कमांडो कोर्स करते हैं सीआरपीएफ और आपका बीएसएफ एस एफ फौज जितनी मिलिट्री फोर्स हैं ये सारे लोग एन कोर्स वहां पर करते हैं और करने के बाद सबके वर्क अलग अलग उसमें हो जाते हैं जैसे काफ़ी लोगों को वहीं पर सिलेक्शन मिल जाता है पोस्टिंग हो जाती है जो इच्छुक होते हैं तो एन के थ्रू ही वर्क कर लेते हैं और ज़्यादातर लोग अपने स्टेट रिटर्न करके अपने स्टेट में वर्क करना चाहते हैं उस हिसाब से च्वाइसें होती हैं तो सारे मतलब ड्यूटियों का प्रकार अलग अलग हो जाता है लेकिन कोर्स एक ही जगह किया जाता है तो बेसिकली इसके लिए आपको पहले फोर्स में आना जरूरी है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो श्योर श्योर फोर्स में हाँ। सर्वप्रथम फोर्स में आएंगे उसकी फिर क्राइटेरिया होती है जैसे हमारा मान लीजिए यूपी है तो यूपी में हमारे कोई भी भाई अगर इसमें नए कमांडो कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए चाहे जब कर लो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है इसके गृह मंत्रालय द्वारा अनुरोध जाता है यूपी से या हर स्टेट से तो गृह मंत्रालय से मंजूरी होती है और मंजूरी होने के बाद फिर वो होता है कि कितने लोगों का कराना है जैसे हमारे यहाँ साथ में थर्टी लोगों को होना था ठीक है। तो थर्टी लोगों की यूपी पुलिस से पूरे यूपी पुलिस से जो हमारा बैच जो हमने एन कमांडो किया था सात फरवरी उन्नीस सौ चौरानवे से तीस अप्रैल उन्नीस सौ तक चौरासी दिन का कोर्स होता है चाहे फौज के करें चाहे हम करें तो उसमें थर्टी लोगों को क्राइटेरिया होता है तो इसके लिए भारत यूपी सरकार को एक पैसा एक धनराशि पेट करना पड़ता है को उस समय लगभग दो से ढाई लाख रुपए पर कैंडिडेट उस समय भी फीस थी कोर्स कराने की अच्छा। लेकिन इसके लिए भी कई क्राइटेरिया होते हैं नजी में जाने के लिए सर्वप्रथम तो फोर्स में हम आए और फोर्स में आने के बाद फिर हमें इसमें तीन साल क्राइटेरिया होनी चाहिए कम से कम हमारी तीन साल की सर्विस होनी चाहिए और तीन साल सर्विस के बाद फिर डिमांड भी आनी चाहिए अगर उसी समय डिमांड भी आ गई जैसे उन्नीस लगभग चौरानवे में डिमांड आई या दिसंबर तिरानवे में डिमांड आई ये डिमांड आती है तो जितना पैरामिलिट्री फोर्स होते हैं अर्धसैनिक बल होते हैं जैसे प्रदेश में या सिविल पुलिस होती है थानों की ये सारे जगहों पर एक गश्ती जारी होती है कि गृह मंत्रालय के थ्रो आदेश हो करके एन एस में कमांडो कोर्स के लिए जाना है जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो अपने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करें तो जो चौकी में है जो थानों में है या जो यूनिट में है उससे पुलिस लाइन जाता है प्रो, प्रोसेस से वो फिर वापस जाता है तो उसमें सारे सिलेक्शन होते हैं पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल में सेलेक्शन आपका होगा कि वहां से दस लोग चयनित किए गए सपोज करिए तो इस तरीके से हम लोगों का जो सीतापुर एक हब होता है जो ट्रेनिंग सेंटर का है बहुत बड़ा हब है वहां पर सारे लोगों को इकट्ठा किया गया तो वहां पर लगभग 140 लोग इकट्ठा हुए थे ओके मतलब डिफरेंट डिफरेंट और... फोर्सेस और... हाँ नहीं फोर्सेस नहीं पुलिस के ही फोर्सेस से आए पुलिस से ओके ऑल उत्तर प्रदेश पुलिस से 140 लगभग लोगों को एकत्रित किया गया और वो भी 140 लोग आए तो हमारे यहाँ जितने जिले हैं और जितने हमारे पैरामेट्रिक फोर्सेस हैं इकाइया हैं, उनकी तीस चालीस सब जगहों से चिन्हित और मतलब बहुत ही क्लियर और साफ सुथरा छवि वाले लोग इकट्ठा किए गए क्योंकि हर यूनिट हर पुलिस लाइन ये चाहता है कि हमारे यहाँ से ऐसा बंदा जाए जो वहां से हंड्रेड परसेंट सिलेक्ट होके आए मतलब नाम खराब ना हो यूनिट का या हमारे जिले का कि फला जिले के, के कप्तान जो है वहां के जो है देखिए इतने कैडेट आए और एक भी नहीं हुआ तो मतलब वो भी एक तेज तर्राक छवि करेक्टर रोल हर चीज वाच करके तब तो भेजा जाता है फिर यहाँ पर प्रोसेस क्या है कि इनको पहले लगभग पैतालीस दिन की ट्रेनिंग दी जाती है उसमें पांच किलोमीटर के दौड़ सोलह किलोमीटर के दौड़ फायरिंग अवरोध बाधाएं पार करना दीवार पे चलना मतलब क्रॉलिंग चलना सारी चीजें वहां पर प्रैक्टिस कराई जाती है और प्रैक्टिस कराने के बाद फिर क्या हुआ कि फिर उसमें जो है एग्जाम होता है लास्ट में एग्जाम में मार्क रखे जाते हैं मार्क्स तो उसमें जो है कौन कितना नंबर पाया उस हिसाब से मेरिट बनती है और मेरिट बनने के बाद थर्टी लोग जो हाई मेरिट वाले हैं वो ले लिए गए और बाकी लोगों को वापस रिटर्न कर दिया जाता है कि यूनिट अपने पुलिस लाइन वापस रिटर्न फिर वो थर्टी लोग जो है एनएसजी के लिए प्रस्थान करते हैं और फिर वहां पर पहुंचते हैं लेकिन ये भी नहीं कंफर्म होता है कि ये थर्टी लोग जा रहे हैं तो थर्टी कमांडो कोर्स करके ही आएंगे ये भी श्योर नहीं okay. क्योंकि एनएसडी एक ऐसी संस्था है कि जिस पर भारत सरकार को गर्व है बल्कि पूरा विश्व गर्व करता है जितने कठिन से कठिन ऑपरेशन करते हैं तो बहुत हार्ड जो है ट्रेनिंग होती है इतनी हार्ड ट्रेनिंग होती है कुछ भी हो सकता है वहां पर एनजीडी hmm. इतनी भयंकर होती है कि हमारे साथ के भी कई लोग वापस हो जाते हैं जो उस कोर्स को नहीं कर पाते इंजर्ड हो जाते हैं घायल हो जाते हैं डेथ भी हो जाती है कई लोगों को तो मतलब एनएस की ट्रेनिंग प्रक्रिया बहुत ही मतलब अद्भुत है और सराहनीय है और ऐसा नहीं होगा तो कैसे जहां पर हम जान पर खेल करके कैसे जैसे आपने देखा होगा छब्बीस ग्यारह आपका जो है बॉम्बे वाला कांड में उसमें एनएस ही गई क्योंकि हाई जैकिंग और जो टेक्निक जाता है ऐसे लोगों में को विशेष तौर से ज्यादा महारत हासिल था था है क्योंकि वहीं वही पर मुंबई में आ, मरीन कमांडो थे वहीं पर मरीन कमांडो उपलब्ध थे लेकिन उनको थोड़े दिन के लिए बैकअप दिया गया थोड़े घंटों के लिए कि जब तक हमारी एनएसजी आ नहीं जाती हाँ। और जैसे एन आई तैसे उनको हटा दिया गया क्यों मरीन कमांडो को ये हासिल है कि वो कहीं भी जाकर के टोटल अंजाम दे देना मतलब टोटल पहुंच के ठोक देना उनको इससे नहीं मतलब है कौन बचेगा कौन मरेगा कोई नहीं लेकिन ऐसी है जो हाई चेकिंग इनको क्या है डोर टू डोर चेकिंग करना और उनको उसे सुरक्षित निकालना इन चीज़ों में और ज्यादा महारत हासिल है तो इस तरीके से कमांडो से कमांडो में आने की इस तरीके प्रोसेस है हर स्टेट का क्योंकि तो हमारे साथ करीब बीस पच्चीस राज्य के, राज के लोग थे जो वहां पर एक सात कमांडो कोर्स कर रहे थे तो हर स्टेट के लोग इसी तरीके से आते हैं और एन में जाते हैं ट्रेनिंग करने के लिए सर आपने ट्रेनिंग की बात की आ, हम जैसे ले मैन पब्लिक तो एन एस जी इस सब के बारे में मूवी से ही पता लगता है तो मैंने आई थिंक मूवी का नाम तो मुझे याद नहीं है मैंने किसी पिक्चर में देखा था कि ट्रेनिंग में एन एस जी की ट्रेनिंग में लास्ट में आई थिंक कुछ ऐसा किया जाता है जिसमें आपको एक ग्लस में ड्रिंक्स दिया जाता है और कहता है कि वो ग्लास की शीशे चबा के खाना होता है ये सब सच में होता है या जानवर की खून पीते हैं लास्ट में आपको उतना स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये सब रियलिटी है कि ये मतलब बने, बनी बनाई कहानी है मूवियो की नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है तो कि मतलब जो है जो आपको बताया जाता है ऐसा कुछ होता है ये तो ये दिखाया जाता है कि जैसे मतलब इनको विषम परिस्थितियों में भी लड़ने का एक कठिन से जूझने की क्षमता होती है जैसे देखते होंगे कि अन्य देश अमेरिका या अन्य देश के जो हमारे फोर्सेज हैं जो कमांडोज है वो अगर जंगल में कहीं फंस गए हैं तो उनके यहाँ का फोर्सेज को तो क्या है मिलन वाटर सप्लाई किया जाता है हुँ. और हमारे यहाँ पर कहीं दस दिन के लिए खो गए या वहाँ छूट गए तो वो कहीं भी पानी पी लेंगे किसी तरह से और किसी तरह से खा पी के जी लेंगे क्योंकि हमारी बॉडी इस हिसाब से जवानों की बनी होती है वो सब एक्सेप्ट कर लेती है सिचुएशन के बाद किसी का सोचुएशन ऐसा हो जाए कि उल्टा सीधा कुछ खा पी करके कैसे भी आठ दस दिन हमको बिताना पड़ा पानी कहीं गड्ढा से गंदा पानी पीना पड़ा जिस तरह के इस सिचुएशन से गुजरते हैं और हो जाता है लेकिन मतलब ऐसा कुछ नहीं कि जैसा देखें मतलब ये सारी चीजें खाई जाती हैं ऐसा कुछ नहीं है लेकिन ये है कि ट्रेनिंग के हर स्टेप जो है बहुत ही मतलब ऐसे आप सोचिए कि लगभग जब मैं एनर्जी में प्रवेश किया तो उसका लगभग पचास से साठ किलोमीटर एरिया लगभग है अच्छा एन एस डी का जो गुड़गांव मानेसर में स्थित है उसी में आपको नदी की घाटी भी मिल जाएगी उसी में आपको बड़े पैमाने पे जंगल भी मिल जाएगा और सब एरिया बहुत दूर दूर है जैसे खाना आप इधर खा रहे हैं तो खाना का एरिया यहाँ पर है फिर वहां से दो किलोमीटर सोने का एरिया है फिर वहां से पाँच किलोमीटर ग्राउंड है फिर उससे तीन किलोमीटर जहाँ से हम बेपन उठाएंगे मतलब इतना मोमेंट होता है बहुत बड़ी एरिया कवर करके बनाई गई है और लगभग उस समय में सीटी फायरिंग बर्ड थे साठ फायरिंग बर्थ थे जहां पर हमारे जवान या हमारे ट्रेन जो ट्रेनिंग करने आए हैं वो सब जो है वहां पर प्रशिक्षण करते हैं कि जिससे अभाव ना हो और इतना ज्यादा फायर कराया जाता है इतना अचूक निशानेबाज बनाया जाता है कि आप कहीं चूक ना हो क्योंकि बी का हो चाहे टेरिस्ट को हो मतलब शूटर बनाया जाता है जैसे बी को पीछे से कोई पकड़ लिया गले पे चाकू लगा लिया तो जैसे हमारे टेरिस्ट को केवल चार इंच का उसका सर नजर आ रहा है तो हमें इतना स्पर्ट होना है कि इतना फायर करना है कि चार इंची में ही गोली उसके सर पे लग जाए और बी बच जाए अगर हम अचूक निशानेबाज नहीं है तो पता वो टेरिस्ट की जगह पे वी को लग गया तो हमारा मकसद उल्टा हो गया तो इस तरह के हमको बहुत सावधानियां रखी इसके लिए हमें नाइट में भी फायरिंग कैसे की जाएगी दिन में अगर चल फिर रहा है तब उसको कैसे किया जाएगा और लेट के कैसे किया जाएगा और हर दा, हर मुसीबत में मान लीजिए हम पानी में छुप गए पानी से निकल के तुरंत कैसे करेंगे मान लीजिए किसी ने हमारे आंख में रेत झोंक दिया हम अंधे हो गए अब हमारे गन में रुकावट आ गई तो उस गन को कैसे तुरंत खोल सकते हैं तुरंत उसको फिर कैसे बगैर आंख बंद करके जोड़ सकते हैं जोड़ करके फिर फायरिंग में कैसे हम कन्वर्ट हो सकते हैं तो इस तरीके से जो है वहां पर मतलब पूरा एक बहुत तरीके से अनुशासित रख करके बहुत ही बेहतरीन ट्रेनिंग मतलब उसमें स्कूल की भी पढ़ाइयाँ भी होती हैं जैसे बम कैसे बनाएंगे बम को डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे ग्रेनेड को प्राइम कैसे करेंगे ग्रेनेड को कैसे फायर करेंगे मतलब हर चीज़ प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से हमको वहाँ पर परिपक्व कर दिया जाता है हर प्रकार से हर मुश्किलों में लड़ने के लिए कि सपोज करिए कहीं पर आप दिशा भ्रम हो गए हैं तो उसकी भी ट्रेनिंग होती है जंगलों में उसी में एरिया होता है कि हम कम में और कंपास से दिशा देखे वो उसकी भी एंगल दिया जाता है कि नब्बे डिग्री एंगल पर आपको आगे जाएंगे तो पांच किलोमीटर पे एक मंदिर मिलेगा वहाँ से आगे इस एंगल जाएंगे तो एक पीपल का पेड़ मिलेगा वहाँ से आगे जाएंगे तो एक गांव मिलेगा एक कुआं मिलेगा वहाँ पर पानी पी सकते हैं और इनके लोग चेकिंग करते रहते हैं कि मतलब ये हमको पकड़ भी ना पाए और जब भी रात में भी हम लोग करते थे दिशा भ्रम में रात के होती थी तो उसमें हम टॉर्च मिलती थी लेकिन टॉर्च को जला नहीं सकते हैं कंबल को ओढ़ करके पांच सात के लोग अंदर अंदर दिख दीशा देख करके फिर चल देते हैं मतलब एकदम पूरी तरीके से मतलब जो है वो करते हैं फिर ये हमारे जो ऑप्टिकल होते हैं बहुत हार्ड ऑप्टिकल होते हैं हार्ड ऑप्टिकल होते हैं कि आप पाँच पाँच छः छः किलोमीटर की दौड़ करके आप आएंगे पूरी तरीके से थके होंगे फिर फर्स्ट ऑप्टिकल पर जाते हैं फिर बीस फीट दीवार में चढ़ के नीचे उतरते हैं फिर रस्सा से कूद करके के आपको जो है चालीस फीट पचास फीट साठ फुट उस पार आपको जाना होता है एक नाला नदी क्रॉस करके फिर मंकी रोप होता है जैसे मंकी रोप का मतलब होता है कि जैसे कोई नदी पड़ गई हमको सौ मीटर की तो इधर उधर लंगर रस्सा फेंक करके और इधर टाइट पेड़ से बांध करके उस पर लटक के चले जाना हमने फायर के साथ हाँ ये भी सारी हाँ ट्रेनिंगे होती है फिर कोई अगर हमको पहाड़ी पर दिन लोग ट्रेनिंग होती है टोटल ये सर जो है बारह वीक की होती है चौरासी दिन की एट्टी फोर दिन की और जिनकी पोस्टिंग हो जाती है वो कंटिन्यू वहीं पर ट्रेनिंग करना और वहां पर हमने देखा ड्यूटियों में लगातार रिजर्व फोर्स बना रहता है और दसों गाड़ी रिजर्व फोर्स जो है उसमें बैग उनके सामान सारे पैक होते हैं और ड्यूटी के अनुसार छह सात घंटे बैठे रहते हैं मतलब एक शार्ट नोटिस पर एयरपोर्ट से या कहीं से सूचना आना तो केवल पांच सेकंड में गाड़ी मूव हो जाती है मतलब कोई इंतजार नहीं कि मतलब वो है तुरंत जो है अपने के लिए तो ट्रेनिंग तो बहुत ही अद्भुत है अद्भुत नहीं होगी तो एनएससी अलग से कैसे दिखेगी तो मतलब आम आदमी को करना जो है आसान नहीं उसके लिए बहुत ही स्ट्रोंग बनना पड़ता है सर आपने इस पे एक चीज बताया कि एनएससी की ट्रेनिंग जो होती है उसमें एक आम आदमी को हीरो बनाया जाता है हमारे लिए आप लोग रियल लाइफ हीरोज है तो जितना मुझे आपसे अभी मुझे बात करके पता लगा कि आप एक उत्तर प्रदेश की मैं गांव से बिलोंग करते कि शहर से आपकी पैदाइश कहाँ पे हुई हमारी पैदाइश तो ऐसे उत्तर प्रदेश के गांव से ही है लेकिन गांव से ज्यादा समझना रहे कि हम बहुत कम एज पर लगभग आठ ही दस के एज में पिताजी भी हमारे सरकारी सेवक थे सरकारी कर्मचारी थे तो मैं शहर में फिर हुआ फिर शहर में पढ़ाई में किया और पढ़ाई कर रहा था वही ग्रेजुएशन का मेरा पहला वर्ष था उन्नीस का और फर्स्ट अटैम्प पर 18 साल सात दिन में ही हमारी 18 साल क्राइटेरिया होती भर्ती के उत्तर प्रदेश पुलिस में लेकिन 18 साल सात दिन में ही हमारा जो है भर्ती हो गई थी और फर्स्ट अटैम्प में ही चला गया था तो मेरा जो सर सवाल था जो आम आदमी कि हमारे माइंडसेट है जैसे आपने काफी वीवीआईपी के, के साथ अपने काम किए अपने जैसे बताया गवर्नर सीएम साहब के साथ काम किए तो आम आदमी हम लोग टीवी में इस ऐसे लोगों को देखते हैं खबरें में देखते कभी आ, इतना आसान नहीं होता कि हम उसके पास रूबरू हो सकते तो जब पहली बार ऐसे लोग के सामने जाते हैं उनकी एकदम नजदीक होते कुछ अलग फीलिंग आती है क्या होता है माइंड उस टाइम पे जी 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 दरअसल ऐसा है ना कि जो है हम लोग तो कोई फीलिंग क्या है जैसे जब भी ड्यूटी लगती है तो ऐसे पहले से कुछ पुराने रहते हैं उनके साथ में पूरा एक तरफ से नए चेंज नहीं होते हैं जैसे मान लीजिए दस की टुकड़ी गवर्नर के साथ लग रही है तो उसमें से आठ तो पुराने ही रहेंगे और दो नए को उसमें प्रवेश किया जाता है और नए को हालांकि वो पूरी ट्रेंड होते हैं लेकिन विभिन्न पुराने लोग क्योंकि पूरी ट्रेनिंग का काम अलग होता है जब थ्योरी में उतरो तो थोड़ा बहुत अंतर होता है थोड़ा बहुत तो उस तरीके से वो लोग बीच बीच में ट्रेड करते रहते हैं और कोई मतलब ऐसा फील नहीं है तो अपना एक काम नॉर्मल हो जाता है ये फीलिंग आपको एनर्जी में हीट करा दी जाती है कि जैसे बी आई बी जा रहा है तो उसके कैसे बगल में चलेंगे कैसे उसको कवर करेंगे गाड़ी से जा रहा तब कैसे कवर करेंगे ये सारी ट्रेनिंग वहां से ही वी हर चीज की ट्रेनिंग हो जाती है तो अब अपना ये वर्क ही हो जाता अपना एक पैसा हो जाता है तो इसमें कोई हिचकिचाहत नहीं है और हम अपने वर्क कर रहे हैं वी आई पी वर्क हमें कोई बहुत ज्यादा उससे फेस तो करना नहीं हम अपना फेस कर रहे हैं सिक्योरिटी की तरफ वो अपना वर्क कर रहा है तो कोई ऐसी कोई विशेष कोई फीलिंग नहीं होती है जहाँ एक दो ड्यूटियां किए है तहाँ पर हम लोग एकदम झिझक खुल जाती है कोई पर्सनल रूबरू नहीं होता है कभी नहीं रूबरू होता है ऐसी बात नहीं है अगर आप आला कि कहानियां करेंगे किसी जी, के साथ। जी 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 हां जैसे हमारा जो है जमानिया जैसे मुलायम सिंह के साथ भी है उनके साथ भी हम बातचीत किए हैं तो उस समय जब उनके यहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे तो उस समय पर जैसे अखिलेश जी जो अभी सीएम रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के उस समय बहुत छोटे आकार के थे तो हम लोगों के बगल आके खड़े हो जाते थे गन्द छूने लेते थे अंकल जी अंकल जी ये मतलब जैसे है, तो मतलब बड़ा वैसा आवाज के डेट में तो सीएम बन गए थे आज एकदम खुद अलग से इनकी पहचान हो गई है और चाहे एन डी तिवारी थे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे भी कैजुअल थे सब लोग जैसे लानों में जब टहलते हैं फिर भी सुरक्षा व्यवस्था लगी रहती है तो उस समय पर बातचीत बीच बीच में होती है और इस तरीके से जैसे अभी कल्याण सिंह थे उस समय माननीय हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जो अयोध्या कांड भी उसमें भी हुआ था तो उसमें भी जो है जब हम कोर्स करके आए तो उस समय माननीय कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो था लेकिन अब इधर जो है हम लोगों से तो था जो हम लोग थे लेकिन इधर जो है अब थोड़ा सा बहुत कम हो गया क्योंकि अब सुरक्षा का ग्रुप घेरा कई बन गए कॉर्डन कई बना दिए गए बीच में पीएसओ बना दिए गए कई बना दिए गए हैं और इससे जो है बीच में कई फॉल्ट भी आई हैं तो इससे थोड़ा सा और थोड़ा सा पहले अब में अंतर आ गया कि अब लोग थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हो गए हैं पहले थोड़ा सा बहुत इजी महसूस होते थे भाग दौड़ क्राइम बहुत ज़्यादा वो सारी चीज़ें कम थी जिसकी वजह से सीएम हो, हो चाहे गवर्नर हो ये अपने हेडक्वार्टर में ज़्यादा समय रहते थे थोड़ा इजी गोइंग रहते थे अब पूरा दिन इतने वर्क होता है पूरी इतनी प्लानिंग होती है एक एक घंटे पैंतालीस पैंतालीस मिनट का इतना मूविंग होती है मतलब एक ही शहर में सुबह से जो निकल जाती है पूरे हफ्ते की प्लानिंग उसमें देखिए प्लानिंग होता है क्या पूरे किसी मंथ की पूरे हफ्ते बता सकते हैं कि कैसे होता है वो हाँ पूरे हफ्ते की शेड्यूल निकलता है अच्छा पूरे हफ्ते हफ्तेवार कि फला रेट में मुख्यमंत्री फला जिले में रहेंगे इतने बज के इतने मिनट में यहाँ रहेंगे यहाँ रहेंगे यहाँ रहेंगे अगर यूपी में भी रहते हैं लखनऊ में भी तो लखनऊ में नौ बजे यहाँ पर ये उद्घाटन करेंगे बारह बजे ये करेंगे इतने बजे एन एस सी पहुंच जाएंगे इतने बजे ये सारी पूरी मतलब उनकी वो रहता है गश्ती जारी होती है वो सब पता होता है उसी हिसाब से सुरक्षा शेड्यूल होता है उसी हिसाब से टुकड़ियां निर्धारित होती हैं और जैसे बी आई पी की ड्यूटी जब होती है मुख्यमंत्री की जब चुनावी सभा होता है तो हम लोग जो है एक एक दिन में जो है चार चार पांच पांच प्रोग्राम करवाने पड़ते हैं तो उसके लिए बीस बीस टुकड़ियां पच्चीस पच्चीस निकलती हैं क्योंकि वो तो हेलीकॉप्टर से पंद्रह पंद्रह मीटिंग कर दिए तो वहां पर एडवांस पार्टी पहुंचती है नजदीक कमांडो जो वहां पर सुरक्षा घेरा देखता है फिर एयरपोर्ट से लिया या हेलीपैड से लिया उनको भाषण करवाया प्रोग्राम कराने के बाद फिर अगली जगह चले गए तो ये टीम दूसरी जगह मूव कर गई वहां पर दूसरी टीम तुरंत कवर करेगी तो इस तरीके से बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है उसमें और इस तरीके से जब उनकी प्लानिंग पूरी बनी होती उसी हिसाब से तीन दिन चार दिन पहले ही फोर्स मूव करता है क्योंकि अगर जब राजनाथ सर के साथ में थे हम तो उनके साथ तो गृह मंत्री थे तो उनके साथ में हमको तो बहुत बाहर बाहर जाना पड़ता है मान लो कलकत्ता में प्रोग्राम है या मान लीजिए आसाम तरफ का प्रोग्राम है तो चार दिन तीन दिन पहले ही निकलना पड़ता है लखनऊ से अच्छा तो यहाँ से ट्रेन से प्रॉपर रिजर्वेशन से गए वहां रुके वहाँ के आला अफसर डीएम उससे उनसे उस गाड़ियां मिली गेस्ट हाउस में रुके फिर कहाँ पर प्रोग्राम होता है उसकी चेकिंग होगी एयरपोर्ट से रिसीवर वगैरह सब कुछ होता है एक मेन इवेंट के पहले जी 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 डेमो होता है पहले एडवांस पार्टी पहुंचती है प्रॉपर जहाँ पे प्रोग्राम है वहां के डीएम वहां के वो अपना सारी गाड़ियों की व्यवस्था करेंगे रुकने की व्यवस्था करेंगे फिर प्रॉपर जगह को गाइड करेंगे कहा प्रोग्राम है उसकी चेकिंग होगी चेकिंग होने के बाद फिर कहाँ से रिसीव करना है वहां से लेंगे चेकिंग स्थल पर भी एक दो आदमी अपने कब्जे में ले लेंगे उस मंच को कब्जे में ले लेंगे कि फिर उसके बाद कोई छरखाई ना कर पाए जब चेकिंग हो जाए डिस्क्राइब कीजिए कब्जे में ले लेंगे ये वाला पार्ट जी जी मतलब जैसे जो मंच की चेकिंग हो गई और डॉग स्क्वाड बम डिस्पोजल सब चेक कर लिए तो फिर उसको घेरे को अपने कब्जे में कि फिर मतलब कोई फिर 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 के कोई कोई माइंस लगा जाए तो उस पे फिर नजर रखना पड़ेगा कि अब ना आ जाए क्योंकि थोड़ी देर में वी आने वाला है तो उसी में से कुछ पार्ट गया और वो जा करके वीआईपी को रिसीव करा रहा है वी प्रोग्राम करा करके उनको फिर एयरपोर्ट रिसीव कर दिए फिर हम अपने दूसरी जगह पर अगर नहीं प्रोग्राम तो वापस लखनऊ अपनी जगह पे का ही आ गए इस तरह से बीआईपी वर्क काम करता है सर आपने अभी इलेक्शन की बात की और बहुत सारे इवेंट्स की बात की जहाँ पे नेताओं मंत्री लोगों को जाना होता है यहाँ पे एक सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है जो मुझे लगता है एज एन आम इंसान जैसे कोई आ, हमारे कोई ऑनरेबल मिनिस्टर्स या वी जब चल रहे उनके साथ आप लोग भी चल रहे पीछे पीछे उनकी आ, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आप लोगों के हाथ में है लेकिन जैसे इलेक्शन के पहले हम बहुत बार देखते हैं कि काफी ज्यादा क्राउड के साथ वो मिल जाते हैं काफी ज्यादा लोकल पीपल में घुस जाते हैं उस वक्त वो माइंडसेट क्या रहता है क्योंकि हर कोई उनसे मिल रहा है वो तो कोई अच्छे इंसान नहीं होंगे कोई तो होंगे जिसके पीछे कुछ और वजह हो सकता है किसी का तो वो माइंडसेट आप लोग रीड करते रहते हैं दूर से जब हम उनके साथ जी. चलते हैं उसका क्या अजी जी तो हालांकि जब भीड़ में चलते हैं तो हम लोगों को इंट्रेक्शन होता है हालांकि बहुत सब लोगों से मिलने के लिए मनाही होती है लेकिन फिर भी वी आगे बढ़ जाते हैं तो फिर भी जो है हम लोग जो है उस भीड़ को आगे और साइड से कवर कर करके पूरी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और मॉनिटरिंग करते रहते हैं क्योंकि और सबकी नज़रों को उसको मैं भापते रहते हैं क्योंकि जो उस टाइप का है तो उसकी नज़र से ही काफ़ी चीज़ें या उसकी एक्टिविटी से सीधा खड़ा है तो हाथ ऊपर कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे कर रहा है तो हमारी केवल नजर केवल भीड़ पर होती है हमारी बी के अपोजिट साइड में मैं देखता हूं अगर मेरी भीड़ सामने से सुरक्षित है चारों तरफ से अगर कवर है इधर से भीड़ को मैं देख रहा हूं कुछ हमारे साथी साइड से देख रहे हैं कुछ हमारे पूर्व से देख रहे हैं कुछ पश्चिम से चारों तरफ से अपना अपना एरिया बटा होता है कि मैं लेफ्ट की एरिया में देखूंगा आप सामने का देखेंगे आप साइड का देखेंगे आप बैक का देखेंगे इस तरह के चारों तरफ के एरिया का सर्चिंग का हम लोगों का आपस में डिवारजन होता है कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि से कोई एक्शन कर रहा है क्या कर रहा है तो उस चीज को बहुत मतलब पैनी नजर से हम लोग उसको वॉच करते हैं और अगर पैनी नजर से वॉच है तो बहुत अगर कोई ऐसा चीज कोई लगाए फिर भी उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी करके ऊपर उठाने की अच्छा? क्योंकि उसको लगा है कि मेरी नजरें मिल नहीं अगर उस साइड में मैं पांच को भी देख रहा हूँ तो पचास लोग भी हमारी तरफ अगर देखेंगे तो उनको ऐसा एहसास होगा एक्शन से कि वो हमें ही लगातार देख रहे हैं अगर ऐसा आंखों से आखा मिलता हुआ दिखेगा तो किसी की हिम्मत नहीं है जल्दी से कि मतलब जो है अट्रैक्ट अट्रैक्ट करने का क्योंकि हम लोग उससे पहले कर देंगे आ, एक, बहुत बहुत अच्छी बात सर आपने ये चीज डिस्क्राइब किया अब मैं कुछ टेक्निकल चीजें में आऊंगा जैसे मैं मेरा पहला पॉडकास्ट है किसी एन ऑफिसर के साथ बात करने का ये मुझे आ, मौका मिला तो अभी आज दो दिन पहले ही मैं एक स्पेशल फोर्स ऑफिसर का इंटरव्यू देख रहा था तो वो काफी ज्यादा वेपन्स के बारे में बता रहे थे कि हमारे पास ये ये ट्रेनिंग किए जाता है ये आप लोगों ने भी किए होंगे बहुत सारे बट उन्होंने एक चीज बोला कि इंडिया में आ, या ओवरऑल अगर देखा जाए सबसे ज्यादा जो वेपन यूज किया जाता है वो है ए के तो वो कहते हैं कि ए के एक ऐसा वेपन है जो कभी आपको धोखा नहीं देता है तो आपको क्या लगता है आपने भी तो बहुत सारे वेपन यूज किए होंगे इसके ऊपर अगर आप, आपको बताएंगे आपकी कुछ एक्सपीरियंसेस नहीं बिल्कुल बिल्कुल वेपन में जो है जैसे एम फाइव में ही मैंने यूज़ किया है एस भी मैं यूज़ किया है और इस तरीके से एल लाइट मशीन गन है उसको भी मैंने यूज़ किया है एन सास भी मैंने यूज़ किया है कार्बाइन मशीन गन भी मैंने यूज़ किया है और ए के सैतालीस तो मेरा मतलब ये जानिए कि कमांडो को पसंदीदा हथियार है हुँ. ये तो टोटल हमारे नाम से यही इशू था पिस्टल से भी मैंने काफ़ी वर्क किया है तो मतलब पिस्टल भी साथ में रहती है और साथ में ए के सैतालीस भी रहती है। दो वेपन तो और ये तो श्योर है रहते हैं तो ए सैतालीस तो इसका कोई जोड़ ही नहीं अभी तक इसका डुप्लीकेट अपने इंडिया में बना के एम बनाया गया जिसका बट से होता है जिसमें बट केवल दे दिया गया है थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है बाकी पूरे पॉट इसी तरीके से तो ए सैतालीस बहुत ही बेस्ट है बहुत ही पावरफुल है बस ये है कि जैसे आप देखते होंगे कि जब भी एन एच जी है तो एन एच जी के पास आप एके सैतालीस आप कम देखेंगे ज्यादातर एम पी फाइव या आधुनिक अस्पताल ऐसा क्यों क्योंकि ये जो हमारा एके सैतालीस वेपन है जब हम हाई जैकिंग में बहुत शार्ट नोटिस पे मुड़ना हो और कमरों में शार्ट नोटिस में मुड़ना हो तो थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाता है अच्छा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है जिससे टर्न में आपको दिक्कत आएगी लेकिन जो और छोटा एम पी फाइव है वो टर्न में थोड़ा सा आसानी तो सिचुएशन है कि कहाँ पे किस वेपन की आवश्यकता है उस हिसाब से हाँ लेकिन फिर भी अगर वहां भी जाते तो कुछ ए के फोर्टी सेवन स ही रहेंगे कुछ वैसे भी रहेंगे जो जैसे सिचुएशन में वो ऐसा फिट हो जाएगा लेकिन एके सैतालीस वाकई में क्योंकि इससे तो मैं कम से कम इसके तो हम कम से कम चार पाँच हजार से ज्यादा राउंड प्रैक्टिस कर चुके होंगे अब तक में इससे एक एक एके सैतालीस का हाँ क्योंकि एन एनेज, एच में भी करवाया गया था और उसके बाद हर साल वार्षिक फायरिंग हम लोगों की होती है

हजार राउंड करना हो जाते एक साथ में लेट के कर दूंगा कोई फर्क नहीं पड़ता है <laughs> अभी अभी भी, भी तो मतलब किसी के साथ या ऐसा कुछ? जी 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 हाँ ऑपरेशन कई हमारे सामने हुए जैसे ए, आपका जो है एक जो है हमारा टेलको कांड हुआ था यहाँ पर एक टेल्को फैक्ट्री है टाटा की कहाँ पे लखनऊ में अच्छा लखनऊ में ही लखनऊ में है, में है ये तो यहाँ पर भी कुछ लोग जो है उसके जो जीएम को हो है, उसको बंधक बना लिए कर्मचारी और धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो छोड़ नहीं रहे थे, थे। उसको हम लोग छुड़ाने गए थे तो थे। 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 उसमें जो है कई फायरिंगे हुई हैं उसमें कई में चार पांच लोग जो है पब्लिक के, के भी कर गए थे शहीद हुए हैं तो उनको क्योंकि वो लोग उसको पूरा बंधक बना लिए थे और मारने की पूरी प्लानिंग बना लिए थे, थे। तो उसको छुड़ाया गया था तो उसमें वन बाई वन बाय फायरिंग हुई थी और जिससे सारे लोगों को गया उसमें तीन चार लोग पब्लिक के मारे भी गए थे इस उसमें. हाँ और उसके बाद एक पुराने लखनऊ में भी एक घटना हुई थी उसमें भी मैं अटमडम में गया था वहां भी आता कि कोई ऐसी चीज सूचना मिलने पर वहां पर हुआ उससे भी बड़ा जो ऑपरेशन हम लोगों का हुआ था ये हुआ था दो में हुँ. ये आपका सुनते होंगे ददुआ एक ददुआ जो है अच्छा शिव कुमार उर्फ ददुआ ये बहुत ही नामी कई बार पांच लाख का इनाम था इस बदमाश पर और ये जंगलों का पूरा हीरो कहा जाता था और ये और यूपी का बॉर्डर एक चंबल और इधर इसमें रहता था बिहार में जंगलों में मोरेना पहले, पहले, पहले जी जी जी, जी पहले हम सुनते नहीं थे कि घोड़ों से जो है पचास पचास सत्तर सत्तर का गैंग आ रहा है गांव में लूट के चला जा रहा है तो पूरा वही उस एरिया की सरकार बनाते थे जितने ठेकेदार को वही चलाते थे तमाम उगाही तमाम इस तरह से सब टेक्निक कर लेते थे उगाही उनसे मांगते थे इस तरह के करीबन बीसों साल से उसमें लिप्त था अच्छा तो उसकी खास बात ये देखिए कि पुलिस में कोई फोटो भी नहीं दर्ज थी अच्छा मतलब उसका पहचान भी नहीं था तो उसको जो है हम लोगों ने जो है इनकाउंटर में उसमें उसके साथियों सहित जो है 2007 में हुआ था लेकिन अब तक जो अट्ठानबे से एस का गठन हुआ था और ये ने अब तक कोई एस में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है लेकिन दो हजार सात में हमारे जो है छह लोग जो है उसमें शहीद भी हो गए थे उस कांड में उसमें नहीं हुए थे उसके साथ में एक, एक उसी समय अंबिका पटेल उस ठोकिया का एक चल रहा था अभियान मतलब एक साथ में दो टीमें मुठभेड़ कर रही थी बांदा यूपी में एक इधर ददुआ का चल रहा था दूसरा एक ठोकिया का चल रहा था ददुआ अला फतेह हो गया था तो इसमें विजय बढ़िया से सा, सारे टीम जश्न मना रही थी और इधर जो है जब ये ऑपरेशन चला तो इसके एक दो लोग ठोकिया के इनकाउंटर में मारे गए बदमाश कुछ उसमें छूट गए और हल्का हल्का बरसात हो रही थी और शाम हो गई रात हो गई वहां से निकलने में कुछ तकनीकी मुआयना ना हो पाने की वजह से जो इसके प्रोसेस होते हैं वो समय से ना हो पाने की वजह से जिला प्रशासन की तरफ से वो हो गया लेट और लेट होने से अंधेरा हो गया आठ नौ बज गया और अंधेरे में फिर जब सन्नाटे में आना पड़ा अपनी गाड़ियों से तो उधर ये लोग एम्बुंस लगा लिए उस एम्बुलेंस में पहली बार एस को नुकसान हुआ है नहीं तो हम लोग तो इतना पका पकाया काम करते हैं कि कोई कैजटी का प्रश्न नहीं होता है तमाम ऐसे टेरिस्ट को हम लोग पकड़ते हैं तमाम बदमाशों को पकड़ते हैं कि ढाबा पर होटलों पर उनके करीब बैठ जाते हैं उनके बगल में चाय पीते हैं उन्हीं के बगल में खाना खा लेते हैं उनको पता ही नहीं कि एस है ना लेकिन ऐसा क्यों और तमाम लोग जो हमको पकड़ने लायक होता तो वहीं से उठा लाते हैं लेकिन जैसे लगता है कि इसके पूरे हमें पांच साथियों को साथ में पकड़ना है सर्विलांस पर लगा है लेकिन पता चला वहां पर दो ही मौजूद है अब सिचुएशन ये आ रहा है कि अगर दो को मैं पकड़ रहा था वो तीन छूट जाएंगे वो फिर अब रात घटना करेंगे तो फिर हम लोग चाय पी के फिर वहां से चले आते हैं फिर ये होता है अगली बार देखा जाएगा तो नेक्स्ट बार क्योंकि उनका वो सब हम लोग बिल्कुल रिकॉर्डिंग चलती रहती है अब कहाँ आए कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं फिर उनको लिस्ट में तो इस तरीके से एस के मतलब कई घटनाओं में रहे और एटीएस के भी कई घटनाओं में रहे इस तरीके से आ, सर जैसे अभी आप बता रहे थे एस की कहानी बता रहे थे तो एस टी एफ के बारे में जितना मुझे नॉलेज है बहुत ही कम है तो एस टी एफ स्टेट के बीच में काम करते हैं स्टेट के जो हम आ, माफियाज या गुंडे की बारे में बोले तो उनके ज्यादातर काम करते हैं तो सर इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे लगता है आप लोगों के लिए जैसे आप बता रहे थे कि हम होटल जाके कभी कभी उनसे चाय पी के वापस आ जाते हैं अगले दिन पकड़ते हैं क्योंकि उनके जितने भी लोकल लाइट्स होते हैं उनके साथ उनकी अपनी कनेक्शन बिल्डिंग रहता है अपने लोग रहता है क्या वो सबसे बड़ा चैलेंज वही रहता है एस के लिए कि कभी कभार कहीं से अंदर घुस के उसके, उसके उठा के ले आना उसमें क्या होमवर्क होता है जी 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 वो दरअसल हम लोगों का जो है जिसे पहले से चाहे इंटेलिजेंस से किसी की सूचना हो या मुखबिर हम लोगों के होते हैं मुखबिर से कुछ सूचना हो या हम लोग सर्विलांस के थ्रू तमाम संदिग्ध नंबर हैं या उन पर जैसे उस पर एक्टिविटी होती है उससे हमको तमाम आपराधिक घटनाएं है मिलती हैं जैसे जब लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उससे क्लियर है कि वो फला से वहाँ आ रहा है फिर वहाँ से ये करने वाला है ऐसे करने वाला है तो उसी पर हमारी वाचिंग चलती है वा� अलग अलग सिपाही अलग अलग टीमें होती हैं उनको लगाई जाती हैं और दो दो चार चार महीना छः छह महीना एक एक दो दो साल तक भी होती हैं अच्छा आपके आपके एस टी एफ ऐसी नहीं कि क्राइटेरिया केवल उत्तर प्रदेश है ऑल ओवर इंडिया जाती है जैसे आपके बॉम्बे में भी कई मुन्ना बजरंगी के चक्कर में कई बार एस टी एफ गई और वहां पर थे तो वहां पर जो है तीन तीन महीना रहे लोग वहाँ पर रूम लेके रहे जैसे चार, चार तो, तो होटल में रह लेते जैसे लगता है कि लंबा रहना है तो फिर रूम लेके ओ... काम बाकी जगह पे होते हैं जैसे कि मान लीजिए सर आप यूपी के हैं आपने काफी साल यूपी में काम किया है अभी आपको किसी को पकड़ना है जो बॉम्बे में है जैसे आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो वो बॉम्बे की गलियों समझना रास्ता समझना किस रूट से उसको लेके आना तो वो सब स्टडी करना होता है जाने के पहले वो सब स्टडी सब हो जाता है दरअसल वहां से कोई ना कोई लिंकेज से या किसी न किसी जानने वाले होते हैं कहीं न कहीं से लिंकेज से ढूंढाड़ के वहां पर रूम या उस एरिया में अपना सब सेट कर लिया जाता है कि जैसे किसी को हमें वाच करना है तो किस दिन में ये अपना ये इसका घर है उसके घर की तरफ दो लोग वाच कर रहे हैं जहां पर वो ज़्यादा ऑफिस में जाता है उसको वाच कर रहे हैं यहाँ के बाद किससे मिलता है तो ये सब वाचिंग लगातार एक एक दो दो महीने तीन तीन महीने चलती रहती है इसमें अच्छा तो अगर चारे छः दिन का काम है कि जैसे क्रिमिनल है कि पता चला सर्विलांस है कि आज बॉम्बे एयरपोर्ट पे उतर रहा है तो फिर वो कहाँ जा रहा है किसके साथ रहा वही एयरपोर्ट से लग करके उसके पीछे पीछे वो सब सेल टाउन से सब पता चलता है सेल टावर से किस गाड़ी में बैठ रहा है हमसे कितनी डिस्टेंस में है कहाँ जा रहा है मतलब इतनी आधुनिक सब सिस्टम है कि मतलब उसके रूम तक वहां तक भी मशीन के थ्रू तो पहुंच जाएंगे वो जान नहीं पाएगा मतलब तो उस तरीके से उस पर जो है वहां पर वर्क करके वहां भी तो इसकी क्राइटेरिया कोई मतलब वहां नहीं पूरे इंडिया में कहीं भी अगर वहां से लिंकेज है हमको मिला कहीं से है तो पूरे इंडिया में ट्रेवल करके वहां पर पहुंचते हैं और सब प्राइवेट गाड़ियां हम लोगों की होती हैं चाहे स्कॉर्पियो हो चाहे आप जो है इनोवा तब तमाम तो आ गई हैं आपको पुराने में तो ब्लोरो भी पहले हुआ करती थी सब प्रकार की गाड़ियां तबेरा बहुत सारी सी आई थी जब तबेरा नई नई लॉन्च हुई थी जो आधुनिक गाड़ियां जो नई आती हैं उसी समय के सब रहती हैं उसमें हम लोगों को यहाँ तक भी हम लोग कर लेते थे तमाम नंबर प्लेट भी कुछ जो है हम लोग अतिरिक्त भी रखते थे तो जैसे जिस स्टेट में पहुंचे तो उस स्टेट का भी नंबर प्लेट भी चेंज कर लेते कोई गलत नियत से नहीं मतलब इस नीयत से कि अपने हम अंजाम को सही तरीके से कर लें जिससे हमको कोई टोका टाक ना कर पाए क्योंकि अक्सर ये होता है कि, कि किसी दूसरे स्टेट में या किसी दूसरे जिले में किसी दूसरे जगह का जो नंबर होता है तो जो वहाँ लोकल पुलिस होती है वो उसको रोककर थोड़ा तहकीकात ज़्यादा करती है और जब लोकल नंबर होता है तो उस पर तहकीकात कम होता है तो उसमें हम लोगों का ये मकसद ये होता है क्योंकि हमारा मकसद है कि हम तो सही तो सही है अगर हमको रोकेगा तो हम तो बता देंगे आई कार्ड है सब दिखा देंगे लेकिन मेन चीज जो मिशन मेरा है वो मिशन मतलब उसमें वो हो जाएगा थोड़ा लीक हो जाएगा कि जो हर लोकल पुलिस चाहती है कि जो है हमारी क्षेत्र में अगर किसी दूसरे स्टेट का एस टी एफ उठा के ले गई या कोई दूसरा यहाँ पर मुझे पकड़ लिया तो एक हमारे ऊपर एक शर्मिंदगी के दाग लगेगा कि हम यहाँ पर बैठे हैं हमारे यहाँ इतने भयंकर भयंकर मुलजिम बैठे हैं जो बा उसके जो है असल बनाने की फैक्ट्री चल रही ये चल रही है और दूसरी जगह से लोग आके पर्दाफाश कर रहे हैं तो एक वो होता है तो वो लोग थोड़ा सा अपनी बेजती समझते हैं तो इस तरीके से हर जगह जाके वो बहुत सुरक्षित इसका अभियान होता है कोई इसके अभियान में मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं होती है आराम से बिल्कुल किया जाता है और जब समय तक किया जाता है और चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा फिर अगले महीने मिलेगा अगर हमें लगता है कि मुझसे उसको मुझे नुकसान है तो फिर हम उसको रोक करके हम फिर अगले दिन करेंगे तीसरे दिन करेंगे लेकिन बहुत सेफ़ गेम ज़्यादातर होता है और कोई भाप नहीं पाता है बिल्कुल प्राइवेट सिविल ड्रेस में रहते हैं नज़दीक पहुंच जाते हैं सब जींस चश्मा सब आधुनिक तौर पे उन्हीं की में कि मतलब कोई ऐसा एहसास ना हो बातचीत तो सारा पूरा इंडिया में पूरे वो जगह बहुत जबरदस्त जो है ऑपरेशन होता है कोई दिक्कत नहीं होती है आपने काफी राज्य में इंडिया में एस के दौरान काम किए और जिस हिसाब से आप कह रहे थे तो मुझे लग रहा है कि आपने काफी लाइक भयंकर माफिया क्रिमिनल्स को उठाया तो अगर मैं पूछूं आज से अगर पीछे मुड़ के जब देखते हो सबसे कौन सा याद आता है जो ऐसा कोई क्रिमिनल जो मीडिया में छाया हुआ था लोग उसको पकड़ नहीं पा रहे थे ऐसा कोई कौन है तो ऐसा तो आपसे तो बता रहे हैं कि जैसे हम एसटीएफ में की बात करेंगे आ, तो ये सब जो है चाहे आपका मुन्ना बजरंगी हो जिनपे साढ़े सात लाख का इनाम ना और या श्री प्रकाश शुक्ला है कि आप इस पर अगर सर्च करेंगे तो पूरे प्रदेश में अब समझिए जो मुख्यमंत्री की मारने का सुपारी ले लिया था अच्छा मौजूदा मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का जो मारने की सुपारी लिया तो उसी पर अट्ठानबे में एस टी का गठन हुआ है गठन ही इसी के लिए हुआ था अच्छा हाँ ऐसे हाँ, ऐसे मतलब क्रिमिनल थे हाँ। कि मतलब जो है ऐसे क्रिमिनल थे तो लेकिन क्या है फिर भी जो है हम लोग जो है अभी आप देख पा रहे होंगे चर्चित विकास दुबे कांड हुआ अभी बहुत जल्द कानपुर लखनऊ से जो ताबड़तोड़ लगभग उसके घर में जब छापा पड़ा तो कई बार नौ पुलिस वालों को वहीं पर शहीद कर दिया अपने घर ही पर फिर टी गई तो एस कानपुर से फिर नोएडा भाग गया दिल्ली भाग गया फिर वहां से जा करके उसको पकड़ के लाई अः फिर रास्ते में फिर अचानक मुठभेड़ हो गया उसी में वो मारा गया तो इस तरीके से जो है मतलब ये, घटनाओं में बहुत तो मतलब जो है आपका तो यादगार कौन सा है सबसे आपका यादगार जिसमें आप थे ऑपरेशन में हमारा ये ऑपरेशन सबसे बड़ा है कि जो दस सरगना ददुआ और ठकिया अच्छा अच्छा जो अभी आपने बताया एमपी वाला जिन पर लगभग 200 मुकदमे थे अच्छा हाँ और सौ मर्डर का केस था उनके ऊपर हाँ और इस तरीके से कई करीबन जो है उन्होंने कई करीबन पच्चीस साल तक जो है उनको कोई पकड़ नहीं पाया था अच्छा उनकी फोटो भी नहीं थी ना को, को, कोई मतलब उसमें फाइल में तो उसको कहाँ से पकड़े थे सर आप उसको पकड़े क्या उसको मुठभेड़ हुआ है उसी जंगल में हाँ। चित्रकूट आप जा, चित्रकूट जानते होंगे सुने होंगे यूपी में चित्रकूट धाम है वही चित्रकूट के बगल एक जंगल है वही उसका डेरा था वही पचास सौ किलोमीटर एमपीपी में दोनों सरकार इस पर काफी नाम घोषित किए थे तो वहां से काफी मशक्कत के बाद दो तीन साल मेहनत के बाद लगातार उस उसपे सब काम करने के बाद फिर उनके अः गैंक में जाकर उनके गैंकों को भी हम लोगों को एक एक आदमी ढूंढ कर उसको अपने तरफ मिलाया गया उससे बराबर सुराग रसी लेता जाता था उनको कुछ अतिरिक्त कुछ दिया भी जाता था हम लोग कि भाई ये और उसको कहीं से फोड़ करके उनके गैंक को सेट किया गया अपनी तरफ तब जाके कहीं कब्र में ले, ले पाए नहीं तो भाई इन लोगों से मुठभेड़ करना इतना आसान तो है नहीं क्यों नहीं है कि वो तो कफन अपने सर पे बांधे हैं उनका काम क्या है कि जो हमारे सामने आए उसको मार देंगे और हमेशा हमारा फोर्सेस क्यों थोड़ा सा नुकसान हो जाता है क्योंकि हमारे जो भी आल फोर्सेस हैं ये काउंटर अटैक करते हैं काउंटर अटैक के मतलब कि हम जवाबी कार्रवाई करते हैं फर्स्ट अटैक नहीं कर पाते क्योंकि हम पहचान नहीं पाते कि टेरिस्ट है कि डाकू है कि बदमाश है, कि, है कि, कि किस प्रकार का है जब वो अट्रैक करता है तब हम पहचान पाते हैं तो हमें काउंटर अटैक करना पड़ता है इसलिए कभी कभी हम लोगों का नुकसान हो जाता है तो सर इसमें अभी जैसे मैं मैं कुछ दिन पहले ना नागालैंड में था तो हम लोग नागालैंड कवर कर रहे थे वहां पे एक चीज हम डिस्कस कर रहे थे एक ऑफिसर के साथ तो वो कह रहे थे कि जो ऑपरेशंस आर्मी करते हैं सीआरपीएफ करते हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान होता है वो पुलिस के लिए नहीं होता है उसका रीजन यही है क्योंकि पूरे दिन ऑपरेशन या पूरे रात के ऑपरेशन के बाद वो लोग अपने कैंप पे चला जाता है बट अगर पुलिस की बात की जाए वो सिविलियन एरिया में आते हैं तो उनकी सेफ्टी ज्यादा होता है ये आपने कभी महसूस किया है हाँ दरअसल जो है जिसे आप बता रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनके टाइम पीरियड एक बाउंडेशन होता है वो अपना वर्क किए समय से जाके अपने कैंप में आ गए यहां तो ये है कि हम अभी एक अभियान करके आए हैं और लिमिटेड फोर्स होने की वजह से थोड़ा शॉर्टेज होने की वजह से अभी आए हैं तो फिर नेक्स्ट ड्यूटी में लगा दिया जाता है अचानक फिर कोई आ गया तो फिर जाना कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि दो दो दिन सो ना पा रहे भाई गाड़ियां बॉम्बे तक पता चला भाई रोड ही जाना है अब ट्रेवल करके जा रहे हैं कितना लोग थक जाते हैं और एक ही ड्राइवर होता है क्योंकि डबल ड्राइवर हालांकि उसमें से सिपाही या तमाम और भी लोग चलाना जानते हैं ड्राइव करते हैं लेकिन फिर भी इतना थक जाते हैं और ये काम करने के बाद फिर ये होता है उसको पकड़ने के बाद रुक भी नहीं सकते हैं नहीं। फिर वापस आना पड़ता है तो ऐसे सिचुएशन होती है कि आंखें इतनी थक जाती हैं या इतना काम करते करते कि जो है फिर अपने मुकाम पे पहुंचने में बहुत दिक्कतें आ जाती हैं तो वर्क लोड तो काफी है काफी हो जाता है हमेशा नहीं होता है लेकिन कभी कभी हो जाता है लेकिन ऐसा नहीं कभी कभी इजी गोइंग है ऑफिस हम लोग जा रहे हैं आ रहे हैं इस बीच कोई वर्क नहीं है केवल पे काम चल रहा है डायरियों में नोट कर रहे हैं अभी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा फील्ड है, है तो चीज निकली ये सुनी सब उसमें नोट करते सबको वर्क मिला रहता है वो होमवर्क करके हम लोग देते हैं तो वो तो सिचुएशन आते रहते हैं सर पुलिस की ऑटोमेटिक ज्यादा वर्क रहता है सर बहुत सारे अगर यूथ जो कल चल के आपके कदम पे चलेंगे एक मोटिवेशन तो सरकारी नौकरी का ये होता है कि पैसे मिलते हैं पर्क्स है मैं सब कुछ एग्री करता हूँ बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज लगता है कि इनके साथ साथ एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है क्योंकि आपके पैसे पर्क्स एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है ये मोटिवेशन लेकिन ये जैसे आप कर रहे हैं हर दिन अपने ना एक के बाद एक ऑपरेशन करना परिवार से दूर रहना और कहीं ना कहीं ये सोच भी मन में रखना कि मेरा भी एक फैमिली है मैं तो रिस्क ले रहा हूँ उनकी भी एक जिम्मेदारी है वो सेल्फ क्या लेकिन असली मकसद तो जो आप बता रहे हैं कि वही होता है कि वहां से पैसे मिलेंगे सैलरी मिलेगी तो अपने घर परिवार को देंगे अच्छा समा घर परिवार खुश रहेगा चलेगा पहले तो यही रहता है पहली प्योरिटी लेकिन जब हम प्रवेश करते हैं इसके अंदर जो प्रवेश करने के बाद वहां से सारे हमारे ग्रुप से मिलते हैं ट्रेनिंग लेते हैं सबके साथ में रहते हैं तो धीरे धीरे विचारधारा चेंज होने लगती है क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं वही हमारे भाई हैं वही हमारे बहन हैं वही हमारे दोस्त हैं वही हमारे पापा हैं मतलब सब कुछ वही जरूरत पड़ने पे वही काम आते हैं हमारे घर परिवार वाले वहाँ पर काम नहीं आएंगे अगर कहीं हम जंगल में कहीं मुठभेड़ में हैं और कहीं हमारा साथी है चोट लग गई तो खींच के वही ले जाएगा इलाज कराने में देख रेख वही रहेगा मतलब सब वही रहेगा कोई घर का हमारा करने नहीं आएगा तो एक इतना ज्यादा एक रिलेशन बन जाता है हम लोगों का आपस में क्योंकि यहाँ ना कोई धर्म चलता है ना कोई जात चलता है सब एक फोर्स एक परिवार यही होता है पर एक, हाँ एक दूसरे पे जान देने के लिए इतनी एकजुटता होती है हम लोगों में बहुत ही जबरदस्त रहती है तो इसी तरीके से फिर जब हम लोगों को कंपटीशन होता है देश स्तर पर लड़ाइयाँ हो जब प्रदेश की बात आती है तो उसमें तमाम जो ब्रीफिंग होती है उच्च अधिकारियों के द्वारा कि जो है ऐसे होना इस तरह के ऑपरेशन करना है ये लोग हमारे देश को खोखला कर रहे हैं हमारे प्रदेश को खोखला कर रहे हैं इस तरह से हमारा तो धीरे धीरे देश के प्रति वो सॉफ्टवेयर हम लोगों के अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करता है प्रवेश करता है तो धीरे धीरे उसमें एक मजा आने लगता है मतलब जब उस टाइप का काम होता है तो एक उसमें मजा आना लगे और जो कोई काम में मजा आके करो तो वो काम बहुत अच्छा होता है तो धीरे धीरे वो हो जाता है लेकिन बहुत लोगों के पूरा अच्छा नहीं हो पाते तो कुछ लोग दूसरे टाइप की ड्यूटियां चुन के क्योंकि हर प्रकार की ड्यूटी होती है वहां पर दस बीस परसेंट ऑफिसियल टाइप के होते हैं उस टाइप के हो लेते हैं जिनको मजा आ जाता है उसमें जम जाते हैं कि वाकई में ये चीजों में रहना चाहिए देश के नाम पे कुछ करना चाहिए हां अगर हम 10 20 50 कुछ लोगों को पकड़ने में सहयोग करें तो उतना क्राइम हमारे देश से प्रदेश से कम ही हुआ तो इस तरीके से जो है अपने आप उसके अंदर आ जाता है जैसे कि जब हम एटीएस में थे एटीएस के भी हम ये एटीएस दिसंबर 2007 के लगभग जो है इसका स्थापना जी एंटी टेरर स्क्वाड जी एंटी स्क्वाड तो इसके हम भी हम फाउंडर मेंबर रहे हैं कि जब स्थापना उसी के 10 12 दिन बाद ही कमांडोज की आवश्यकता पड़ी तो कमांडोज की आवश्यकता पड़ी तो कमांडो जो है ए, उसमें चुने हुए भेजे गए क्योंकि जब नई नई संस्था कोई गठन होता है टेरिस्ट तो बिल्कुल जो मतलब और हब है जो हमारा लखनऊ का वहाँ से जिसे हम एस में थे तो वहाँ से चुनिंदा लोगों को तीस पैंतीस लोगों को सिलेक्ट करके भेजा गया फिर हम लोग एच में ऋण हो गए उसमें भी रहते हुए कई घटनाएं हम लोगों ने अंजाम किया जैसे उत्तर प्रदेश के सीआरपी पे आतंकी हमला हुआ उसमें भी हमारे सात भाई सिपाही जो है सीआरपीएफ के शहीद हो गए थे उसमें भी बेचनाओं में कई टेरिस्ट को हम लोगों को पकड़ने का मौका मिला और जब उनको पकड़ के ऑफिस में लाए उनसे तहकीकात किया गया पूछताछ किया गया तो बहुत चीजें सामने निकली बहुत चीजें सामने निकली कि अच्छे अच्छे कॉलेजों के पढ़े हुए लड़के उनके माइंड को डाइवर्ट करके और ले जा करके जहानाबाद में वहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग दे करके पूरी तरह से उनके माइंड को डाइवर्ट कर देते हैं या पाकिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग दे करके डाइवर्ट कर देते हैं कि हिंदुस्तान में हमारे कौम के साथ बहुत गलत हो रहा है अत्याचार हो रहा है हमारी बहनें है, हैं माँ हैं बेटियां हैं वो दो तरीके से देखते हैं मतलब इतना जो है मतलब इस तरीके से करते हैं कि आक्रोशित हो जाता है आदमी खून खोल जाता है और उनको एज ए आतंकी बना करके उनको पासपोर्ट जरिए यहाँ पर भेज करके रास्ते से फिर पासपोर्ट लेके चले जाएंगे वहां से उनके परिवार को कुछ खर्चा देते रहेंगे कुछ ऐसे करते रहेंगे अब यहाँ वापस आ गए वो जो जा भी नहीं सकते अब यहाँ के लिए आतंकी ही एक प्रकार से हो गए पासपोर्ट आए और चला गए अब वो, वो कहते हैं कि अब हमारी बात कोई सुनने वाला ही नहीं तो लेकिन जब यहाँ आए तो यहाँ देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं जैसा वहां बताया गया वैसा यहाँ नहीं है मतलब वहाँ बताया कुछ गया भ्रमित करके यहाँ कुछ और है लेकिन अब तो हम इस देश के लिए आतंकी हो क्योंकि क्यों कई घटनाएं हमसे करवा दिए अब तो वैसे ही हो गए तो इस तरीके से जो है आ, बहुत जो है मतलब जब इन लोगों से मिलते हैं तो ये तरह तरह की बातें निकल के आती हैं जब सामने बैठ के अलग अलग जो है लोगों से विवेचना में बातचीतें होती है पूछताछ होती है तो इन लोगों से इतना मास्टर माइंड होते हैं कि बातचीत और उसी से आप निकाल सकते हो जगा करके मतलब सोचो कोई अब अब कोई वैसा करके जैसे पहले कहा जाता था कि बात बुलवाना एक दूसरा तरीका होता था इन तरीकों से इन लोग मास्टर माइंड से नहीं इनको बातों से बातों में घुमा करके कोई चीज आप गुलती निकाल सकते हो अच्छा मतलब ऐसे निकालना इतना आसान नहीं है। तो इस तरह और आतंकी इस तरह से एटीएस से भी कई जिम्मेदारियां मिली जैसे मान लीजिए कि आज पंद्रह अगस्त है तो पंद्रह अगस्त के दिन भी कई जिम्मेदारियां हम लोगों को बहुत तरीके से मिलती हैं एटीएस में मैं में तो क्योंकि अक्सर जो है इस दिन भीड़ होती है हर शहरों में मालों में बहुत भीड़ होती है होटलों में बहुत भीड़ होती है तो मैं एक होटल में मैं गया ताज होटल था अब डिस्ट्रिक्ट नहीं बताएंगे लेकिन ताज होटल क्योंकि अपनी जगह पे बहुत महत्वपूर्ण है तो हमारी एक टीम जो है पूरी हम लोग जो है चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान गए पंद्रह अगस्त में तो देखे तो पहले कॉर्डन से उनके गेट से हम लोग प्रवेश कर गए प्राइवेट गाड़ियों में में ए के के भी भी थी भी थी पिस्टल हम लोगों पास सिविल ड्रेस में थे औपचारिकता पूरा कर कर भीड़ की वजह से गाड़ी एंट्री दी हम लोग अंदर चले गए अंदर जब पोर्टकों में पहुंच गए तो वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर चेकिंग थी मशीनें बहुत अच्छी अच्छी रखी थी लेकिन भीड़ काफी थी उसमें भी एक सिपाही को वहां से सिविल ड्रेस में पिस्टल अंदर लगाया हुआ था उसको साइड से उसको सेट किया गया कि आप प्रयास करो कि जो है इनके जो मशीन है वो साइड से भी लोग आ जा रहे हैं इक्का दुक्का इनका स्टाफ इधर से निकलने का प्रयास करो और वो निकल के चला गया अंदर होटल के अंदर ताज होटल में अब अंदर चला गया तब जब अंदर चला गया तो फिर उसके जो जी से हम लोगों ने बात रखी कि हम लोग ए से आए हैं और आपके होटल की हम चेकिंग कर रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है क्योंकि पंद्रह अगस्त में हमको सूचनाएं मिली इंटेलिजेंस से कि मालों में होटलों में अच्छे अच्छे में टेरिस्ट लोग कुछ ऐसी घटना का अंजाम करने वाले फ्रेंड्स श्योर सर हमारी तो बहुत अच्छी सुरक्षा प्रणाली है आप देख ही रहे हैं इतनी हाई लेवल मतलब कई कई करोड़ों की मशीनें हमारी लगी हुई हैं और बहुत अच्छी सुरक्षा है तो कह ठीक है बहुत अच्छा तो बताया गया कि भाई देखिए आपकी सुरक्षा व्यवस्था से हम संतुष्ट नहीं है क्योंकि तो पहला कॉर्डन हम तोड़ के आपका आ गए यहाँ तक देखिए हमारे सबके पास वेपन है के सैतालीस तीन चार हैं पिस्टल है सबके पास देखिए वेपन है आपका कोई बंदा चेक नहीं कर पाया फिर अब कह नहीं सर यहाँ तक तो मान लीजिए वो हमारे छोटे मोटे गार्ड है मशीनें चेक नहीं हो पाती पूरी तरीके से प्रॉपर लेकिन इसके आगे तो हमारा कोई नहीं जा सकता है फिर हम लोग जीएम से मिले कहा हम कि इसके बाद भी देखिए हमारा एक जो है हमारा जो है एक बंदा जो है आपके सेकंड फ्लोर पर है और अभी हम उसको बुलाते हैं है, नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता है कहा सेकंड फ्लोर पर विद वेपन के है फिर उसको जो बुलाया गया वो अंदर से निकल के आया उसके पीछे बढ़िया पिस्टल बढ़िया जो क्योंकि पीठ का जो पीछे वाला भाग होता है वो थोड़ा दबा हुआ होता है और जब अंदर से पिस्टल लगा लीजिए आप, आपको साइड करके और ऊपर से सर डाली थे तो खड़े होने पे दिखता नहीं थोड़ा झुको को तो भले दिखे तो अगर चेकिंग भी किया जाता तो प्रॉपर देखते साइड में ज्यादातर लोग चेक कर लेते हैं पीछे तरफ कम ले जाते हैं या पेट या पीछे साइड ज्यादातर चेक कर लेते हैं ना तो अक्सर जो है तब उन्होंने देखा तो कहा सर सॉरी सर वेरी सॉरी सर बहुत बड़ी गलती हो गई और ऐसा है सर रिपोर्ट मत करिए नहीं तो हम तो नौकरी चले जाएंगे और दूसरी बात नौकरी छोड़िए ताज जैसा होटल एक ऐसा है कि एक बहुत बड़ी बदनामी लग जाएगी हमारे ऊपर तो हम लोगों ने वायरिंग लेकर के उनको छोड़ा है और इस तरीके से कभी जो इस तरह के पंद्रह अगस्त में छब्बीस जनवरी में इनमें करीबन एक एक दिन में पचास पचास माल छोटे छोटे उसमें सब लोग हम लोग चेकिंग करते हैं उनको चेतावनी देते हैं कि भाई सतर्क रहिए और अभी तो हजार दस में महाकुंभ हुआ था हरिद्वार में तो वहां पर वहां पर भी हमने पार्टिसिपेट किया था लगभग चार महीने महाकुंभ में तो वहां पर क्योंकि आईबी के द्वारा इंटेलिजेंस के द्वारा और खुफिया तंत्र के द्वारा ये सूचना मिली थी कि आतंकी कुछ हमला करने वाले हैं क्योंकि ऐसी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में तो घटना करने का ज़्यादा वो अंजाम देने का प्रयास ही करते हैं क्योंकि उनका मकसद ही है कि ज़्यादा ज़्यादा कैजुअलिटी हो तो ज़्यादा ज़्यादा जो है भयभीत जो है हमारे नाम जाने दो तो उसमें भी हम लोग चार महीने लगभग रहे हैं लेकिन सतर्कता पूरी टीम की और उसकी वजह से मतलब कोई ऐसे घटना का कोई अंजाम नहीं हुआ पूरा मतलब महाकुंभ 2010 वाला बहुत अच्छा जो है सुरक्षित भी था और बढ़िया रहा और सराहनीय रहा इस तरह से सीरियल भी स्पोर्ट हुआ था एटीएस के दौरान तो जयपुर भी ब्लास्ट विवेचना में हम लोग गए थे अयोध्या में जयपुर में हुआ था ए की तरफ से यूपी ए की तरफ वहाँ पे पाँच छः दिन रुके थे फिर वहाँ से भी कर 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 करके फिर वहाँ पर आए और इस तरीके से जो है बढ़िया और आज जो है एटीएस बिल्कुल एकदम बहुत ही जबरदस्त एंटी टेरिस्ट वीच छा गई पहले एस टी जब थी तो एस टी एफ ए टी एस का दोनों काम नहीं चाहे आतंकी चीज हो लेकिन जब से एटीएस आ गई है तब से दोनों को काम का कुछ विभाजन हो गया आतंकी वाला वो देखते हैं ये देखते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्क आता है तो उधर ट्रांसफर कर दिया जाता है तो अब तो एस टी एफ छोटी छोटी चीजों में पर्चा लीक ये वो सब सारी चीजें छोटी छोटी चीजें भी अब कर रही है क्योंकि क्या करना है कि भाई जब हम लोग लगे ही हैं तो जो भी सामने आ जा रहा है कभी कभी हम लगे किसी दूसरे मिशन पे बीच में पता चला कि वो कर जाली करेंसी वाला मिल गया बीच में पता चला कोई असला फैक्ट्री बनाने वाला मिल गया क्योंकि जब क्राइम तो क्राइम वो बात से ट्रेस हो गया कि कहाँ पे ये किस काम से जा रहा है तो उसको भी पकड़ना मिल गया तब केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं और बहुत ज़्यादा जो है अब घटनाएं भी बढ़ गई हैं और केसेस भी बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लेकिन हमारी जो भी एटीएस है यूपी और जो भी एस है इनका प्रदर्शन बहुत बेहतरीन है और बहुत अच्छा वर्क करते हैं जी सर। सर जिस हिसाब से आपने इतने सारे कहानियां बता रहा था मैं तो एकदम मन लगा के सुन रहा था बट जिंदगी की लास्ट मेरे दो साल में मैं इतने ब्यूरोक्रेट से मिलना इतना ऑफिसर से मिलने के मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस में आपको शेयर करना चाहता हूँ मुझे कहीं कभार हम तो शूट सर आब... एक घंटा दो घंटे जब हम करते हैं जैसे आपके साथ भी कभी लखनऊ जब आना होगा हम जाके प्रॉपर एकदम उस हिसाब से शूट करेंगे तो बाकी टाइम हम उनसे बहुत बातें करते हैं उनसे समझते हैं कि सिस्टम कैसे चलता है चीजें कैसे चलता है कट टू जब हम नॉर्मल इंसान से बातें करते किसी चाय के दुकान में बैठ जाते टीवी की न्यूज देखते हैं तब पता लगता है कि कहीं ना कबार मुझे महसूस होता है कि कुछ चल रहा होता है और हमें कुछ और दिखाया जाता है और आम इंसान वो कुछ समझते भी नहीं है वो हो क्या रहा है आप, you know, आप बैठ जाते हो तो तब क्या महसूस होता है कि यार इनको तो असली खबर नहीं पता है न्यूज वाले कुछ और ही दिखा रहे हैं लोग उसी में उलझे हुए ऐसा महसूस होता है जी जी बिल्कुल महसूस होता है तो हालांकि जो है अब तो मैं स्वतंत्र हूँ हालांकि मैंने जो है अभी तो बी आर एस ले लिया वैसे भी अभी मैं दो हज़ार तक अभी मैं वर्क कर सकता था ठीक है लेकिन अभी मैं कुछ अपने जैसे बिजनेस पर्पज़ या कुछ लगा कि अभी हमारा जो आठ दस साल दस साल जो बचा हुआ है कुछ और लोगों के बीच में कुछ अलग हट के कुछ किया जाए या कुछ अपने नॉलेज कुछ शेयर किया जाए इसलिए हमने अभी ले लिया लेकिन फिर भी जो पब्लिक के बीच में जाते हैं और जब लोग बात करते हैं तो आज भी बहुत सारी चीजें हैं जो सीक्रेट हैं जो आज भी भाई भले हम उस फोर्स में रहे वहां की हमने शपथ लिया है तो आज भी बहुत से सीक्रेट हैं जो सीक्रेट रह जाते हैं उनको लोग शेयर भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर चीज जायज है हर चीज होता है ऊंच खाल है ना तो रियल लाइफ में कुछ और लोग सोचते हैं लेकिन होता कुछ और है क्योंकि इतना होना या इतना आसान नहीं है क्योंकि जिस समय अगर इसको पता हो कि वहां पर टेरिस्ट को पकड़ने जाना है तो अच्छे अच्छे की हवा खसक जाती है कि जो है पता नहीं क्या होगा हाँ एक आदमी को कोई लाठी डंडा चाकू देख लो तो आज उसकी हालत बिगड़ जाती है जो हम लोगों को पता चल गया कि अभी एक माओवादी घटना में मैं गया था तो मुझे पता चल गया कि करीबन मैं कईबन अठारह बीस लोग लगभग हम थे और पता चला कि इधर से माओवादी निकलने वाले हैं चित्रकूट के जंगलों से और वही मंदाकिनी नदी थी और वहीं पे सती सैया सब धाम है वहीं पे बना हुआ है रात के बारे 12 बारह एक दो बजे लगभग वो एक पुलिया थी जो एक नदी से इधर को जोड़ती है हम लोग उसी पर लेटे हुए थे मोर्चा लिए हुए खड़े होंगे तो दिखेगा अंधेरा था अब सोचे वही रास्ता था साइड से आने का अब आप सोचिए कि कितनी भयानक अंधेरी रात हो है और बढ़िया जंगल हो एक दूसरे को कोई हम लोग भी एक दूसरे को नहीं देख पा रहे हैं दो दो तीन तीन घंटे वेट कर रहे हैं आपस में ना खास सकते हैं ना बोल भी सकते हैं कि जैसे दो घंटे तक हम बात भी कर लें कि भाई भीम जी आप कैसे हैं मतलब ये बोल भी नहीं सकते हैं क्योंकि उस समय जो है इतना सन्नाटा होता है कि कोई चीज अगर बोल दिया जाए तो बहुत दूर तक आवाज जाती है और जरा भी जंगल में कोई खरखराहट की आवाज आती है सौ मीटर दूर तो तुरंत कान भड़क जाता है कि लग रहा है इधर से कोई आ रहा है है ना हालांकि हम लोगों का पोजीशन या ए, कुछ लोगों ने कहीं से लीक हो गया होगा, हालांकि वो लोग इधर नहीं आए, और दो मैंने, दो ऐसी घटनाएं मेरे साथ में हुई दो बार मैं गए, और एक बार तो ऐसी सिचुएशन बनी थी तो आए तो साइड से निकल रहे थे आए तो लेकिन वो इतनी ज्यादा तादाद में थे वो करीबन डेढ़ सौ से दो सौ लोगों के तादाद में थे हर प्रकार के असलाह गणासा बाला और जो बंदूक है हर चीज थी तो हम सब तरह से थे तो मतलब हम लोग जानते हुए भी उन पर हाथ नहीं डाल पाए क्योंकि कुछ नए जैसे लड़के होते हैं वो तो हुक्साते हैं कि सर चालू किया जाए तो कुछ जा तो रहे हैं सर लेकिन जो पूरे हमारे एक्सपीरियंस सुधाई हम लोग हैं या सीनियर्स हैं वो कहते है न, अब रुके रहिए क्योंकि कहा जाता है कहीं भागे मर कहीं मारे मर दे. अगर मान लीजिए कहीं डेढ़ सौ दो सौ की उनकी संख्या है साइड से निकल रहे हम दस लोग हैं तो अगर उस पर हम कोई ऐसा कर देंगे तो फिर जो है हम, हमारा ही नुकसान होना है वो डेढ़ दो सौ लोग तुरंत घेर लेंगे तो सुचुएशन ऐसा हुआ कि हम उस पर काउंटर अटैक नहीं कर पाए उस पर हमने कार्रवाई चाहते हुए भी नहीं कर पाए तो इस तरीके से सुचुएशन जैसा बनता है तो ऐसा नहीं तो जब हम लोग भी पब्लिक में कहीं जाते हैं कहीं चाय पीते जैसा बता रहे हैं बात करते हैं जैसे जान जाते हैं कि अरे सर आप एस तो में रहे अरे वो तो ऐसा करती है वो फलाना देखो उस वाले रोड पर आया था उस वाले रोड पर पिकनिक स्पॉट पर वहां पर इनकाउंटर उनका हुआ था वहां उनका उसमें सर आप रहे होंगे क्या हुआ कैसे हुआ अरे हम कहा छोड़ो यार क्या करोगे आप अपना काम देखो दुनिया उस दुनिया को देखने से क्या मतलब है बस बस ये है कि ऊपर वाले से मनाओ कि ऐसा कोई कर वर्क ना करो कि ऐसी जगहों में ऐसी जगह आपको जाना क्योंकि लास्ट में जो भी मेरा मकसद है जो मैं कुछ चीजें बनाता हूँ जो रियल घटनाएं मैं लोगों से शेयर करता हूँ उसमें मेरे ये चीज जरूर रहती है कि लास्ट में कि भाई ये आपको घटना से जोड़ते रहो इस तरह से घटना हो सके आपके सामने घटी हो या भविष्य में कभी मन में ख्याल आवे तो कोई अपराध का अंत ही होता है क्योंकि कानून के हाथ बहुत बड़े होते हैं उससे कभी कोई जीत नहीं पाया है भाई मान लीजिए आपने खूंखार है दस सिपाही को मार देंगे तो भाई उनको उन्होंने वो वो जो है तुरंत बीस भर्ती कर लेंगे उनके पास क्या कमी है बताइए कोई ऐसा तो है कुछ तुम जीत जाओगे तो अंत तो तुम्हारा होना ही है इसका मतलब कोई ये अच्छा रास्ता नहीं है अगर आगे बढ़ना कुछ करना है, बहुत रास्ते हैं इस रास्ते से कुछ बड़ा काम नहीं किया जाता इसमें आपना दिन भय तमाम लोग जंगलों में मिले हैं पूरा जीवन डाको के इंटरव्यू लिए हैं पूरा जिन जंगलों में ही बीत गया क्या होता है पारिवारिक सुख क्या होता है क्या वो क्या जाने बताओ क्या होता है कि जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं लिखते हैं फैमिली रिलेशन में जाना आना ये सामाजिक ये सब क्या जाने तो सब खत्म है ना पूरा जिंदगी भाग है आज इधर पुलिस आ रही उधर भागो उधर आ रही उधर भागो उधर आ रही उधर भागो ना खाना पी सकते हो ना जी सकते हो तो हर एक में मैं जरूर गाइड करता हूँ कि अगर किसी की भी ध्यान में आ रहा हो तो हर चीज में आगे बढ़ने के बहुत रास्ते होते हैं कानून का सहारा लीजिए लेकिन उतावले पर में कोई ऐसा काम हम लोगों को नहीं करना जितने सामाजिक लोग हैं हम जरूर एक बार इन लोगों को गाइड करते हैं सर मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा एक लास्ट क्वेश्चन है इससे मैं खत्म करूंगा आ, उसके बीच में मैं एक और क्वेश्चन ऐड करके मैं आपको खत्म करना चाहता हूँ वो सर ये है कि अभी आपके रिटायरमेंट हो चुका है आपने वी ले लिया है आज जब कभी कभी जब बैठते हो अकेला तो वो पुराने समय मिस करते हो क्योंकि वो पूरे दिन ऑपरेशन में जाना इसको पकड़ना ये टीम संभालना ये सब चीजें अभी मिस करते हो आप अभी मिस करते हैं याद करते हैं और याद तो होता ही अभी बात भी होती क्योंकि अभी मैं परसों ही मैं गया था एस ऑफिस में उधर से निकल रहा था तो रास्ते में कुछ लोग मिल गए गेट के पास फिर कहे अरे आओ यार बहुत दिन से नहीं अंदर गए फिर कैंटीन में चाय वाय पिए फिर बैठे वहाँ तीस चालीस लोग परिचित के थे सब मिले हाँ। और यार तुम तो कभी आते नहीं यार इतने दिन हो गया ये है वो हम कहा यार कुछ और भी स्टार्टअप है कुछ बिजनेस है क्या है और बहुत सारे वर्क होते हैं तो क्या यही लखनऊ में रहते हो क्यों नहीं आते हो ये तो अभी तो सब ताजा बिल्कुल वैसा ही लगता क्योंकि हमारे साथ के हमारे बैच के सारे लोग अभी वर्क ही कर रहे हैं ना उसमें चाहे एटीएस में भी मैं जल्द में ही गया था तो उसमें गए हम कहा थोड़ा देखें एटीएस में क्या परिवर्तन हुआ है है ना क्योंकि एटीएस टी जहाँ पर हम पहले थे वहां से अलग शिफ्ट हुई है तो नई बिल्डिंग में नया ऑफिस बना है तो वहां पर हम गए तो वहाँ पर हम देखे कि बढ़िया से जो है गाड़िया बहुत अच्छी अच्छी आ गई हैं जिससे आप बम फेंक सकें फायरिंग कर सकें और उसमें मतलब बुलेट प्रूफ गाड़िया बहुत अच्छी अच्छी गाड़िया बहुत अधिक बाइक आपकी चार चार अः चार चार चक्के की आ गई हैं बढ़िया से अच्छी सी मतलब बहुत ही आधुनिक दोस्तों देखने गए तो वो तो अभी कंटिन्यू रहता है क्योंकि लगातार डेली अपने दोस्तों का फोन आ जाना और डेली जो है लखनऊ रहते हैं तो चौथे पचे बचे को दो चार चार लोग तो मिल ही जाते हैं हम लोगों को उसमें तो अच्छा लगता है और इसलिए अभी कोई ऐसा एहसा एहसास नहीं होता जैसे दूर होते जैसे हम यहाँ से लखनऊ से रिटायरमेंट लेते हम पता चला कि 200-500 किलोमीटर दूर के रहने वाले होते वहां निकल जाते है ना जब वहां निकल जाते तो थोड़ा एक्टिविटी कम हो जाती क्योंकि हमारा जन्म भी यही लखनऊ और समझिए पूरी सर्विस भी यही और फिर उसके बाद भी इसी एरिया में है तो हमको कुछ ऐसी फीलिंग नहीं होती हमको तो लगता है आज भी मैं वही हूँ ऐसा एहसास होता रहता है बीच बीच में बात होती रहती है थैंक यू सो मच सर दिल से थैंक यू इतना अच्छा सारी चीज बताने के लिए मेरी जिंदगी मोटिवेट हो गया है आज Uh, आप लोगों जैसे मुझे लगता है मिलते रहना चाहिए ताकि हमें एक एनर्जी बूस्ट होता है जिंदगी में आगे कुछ 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 करने के लिए लास्ट अगर आप uh, खत्म करेंगे क्योंकि हमारी यूथ आजकल बहुत सारे चीजों से गुजर रहे है ना किसी को नौकरी नहीं मिल रहा है कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है क्या मोटिवेशन क्या होना चाहिए जिंदगी में ताकि आप आगे लगे रहो जी जी जी, जी. तो हमारा देखिए कि मानना है कि जैसे काफी uh, ऑडियंस आपकी सब देख रही हैं भीम जी तो हमारा ये मानना है कि हमें भाई बहुत लोग प्रयास करते क्योंकि सरकारी नौकरी दो परसेंट केवल मिल पाती है अट्ठानबे परसेंट चाहे प्राइवेट में चाहे जहां भी जाए तो मेरा मानना है कि अगर हार्ड वर्क किया जाए और लक्ष्य को क्लियर किया जाए लक्ष्य को केंद्रित कर करके उस लक्ष्य को पाने के लिए अगर हार्ड वर्क किया जाए अपना पूरा हंड्रेड लगा दिया जाए, जाए। तो वो तो मिलता ही मिलता है लेकिन अगर उसमें से परसेंटेज कम रहेगा तो हो सकता है ना भी मिले और मेरा मानना है जो इतने दिन का एक्सपीरियंस है कि जो भी हम लोग चाहे फोर्सेस के लोग हों चाहे मिलिट्री हो, के लोग हों जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं इनके अनुशासन को अगर आम पब्लिक भी अपने किसी जॉब में अपने किसी बिजनेस में इस अनुशासन को लगा दे तो जो जहां पर है वहीं पर टाप मु पर पहुंच जाएगा कोई जरूरी नहीं कि जो नौकरी में आए तो बेटर है देश की सुरक्षा करें प्रदेश की सुरक्षा करें गर्व का कारण बने बढ़िया सम्मान देश का बने लेकिन जो नहीं भी आ पाते क्योंकि मजबूरी है दो ही परसेंट लोग आ सकते हैं तो जैसा कि एक हम बता रहे हैं कि हम लोगों को जैसे पांच का ग्रुप है तो एकदम सारे कुछ माँ मा, बाप भाई बहन हम ही लोग ये अनुशासन अगर टाइम टू टाइम दे दिया कि दस बज के दस मिनट तो दस बज के दो मिनट में पहुंच जाएंगे दस बजे पहुंच जाएंगे मतलब ऊपर एक मिनट होने वाला नहीं है ये अनुशासन अगर अपने जीवन में हम लोग लगा दें या आम जनता जो भी है लगा दे दे और फोकस कर दे अपने काम पर तो जहां भी है वो फोकस करेगी चाहे बिजनेस में चाहे नौकरी में हंड्रेड नहीं एक सौ एक सौ एक परसेंट अपने लक्ष्य को हंड्रेड परसेंट लेंगे सारे लोग क्या बात है सर क्या बात है जितने भी लोग देख रहे हैं मैं उन सबको बताना चाहता हूँ सर के भी एक यूट्यूब चैनल है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जरूर देखिए मैं खुद देखता हूँ बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है सर की कहानी से आई होप सर आपको भी अच्छा लगा हो हमसे हम बात करके हमारी ये स्टाइल आपको भी पसंद आए होंगे जी 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 भीम जी आपसे मिलकर के आपने मौका दिया कि आपके साथ इतने ऑडियंस हैं इन लोगों से बातचीत करने का अपनी फीलिंग शेयर करने का मुझे मौका मिला इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू सर